उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर के मोहली में किसान यूनिट, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और संगठनों ने मिलकर धान खरीद को लेकर किसानों की समस्याओं के मद्देनजर 5 नवंबर को पूरे भारत भर में किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसी आह्वान के मद्देनजर बैगलगंज मोहली में भारतीय किसान यूनियन, लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन साझा बैनर तले हजारों किसानों ने बैगलगंज में चक्का जाम कर दिया। वहीं मोहली में भी किसान यूनियन के सदस्यों ने चक्का जाम कर दिया। बैगलगंज व मोहली में किसान संगठनों की तरफ से जारी चक्का जाम धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण गौतम ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है तथा किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। धरना प्रदर्शन में मौजूद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के महामंत्री पिंदर सिंह ने कहा कि वक्त आने पर सरकार में बैठे लोगों को उचित जवाब दिया जाएगा। वह इस मौके पर मोहली में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति महामंत्री नरेश चंद्र वर्मा, प्रदेश मोहली में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति महामंत्री नरेश चंद्र वर्मा, प्रदेश महासचिव रणदीप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पे तहसील के सामने यहाँ पे किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पहले थोड़ी देर में वहाँ पंडाल में थे, पंडाल के बाद नेशनल हाईवे जो भी पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान यूनियन काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी यहाँ पे प्रशासन ने भी और यहाँ पे काफ़ी रोकने की प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये किसान यूनियन के लोग यहाँ पे आगे बढ़ गए और रोड को जाम कर दिया है और आवाजाही ठप हो चुका है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाएं बसें भी यहाँ पे, गाड़ियाँ काफ़ी लंबी कतार जाम लग चुकी है और काफ़ी यहाँ पे हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है कि किसानों को समझाए, उसके बावजूद भी नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रशासन के बावजूद समझाने के बाद भी यहाँ पे रोड को जाम कर दिया है। काफ़ी किसान यूनियन के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद, मैं तस्वीरों में कहूँगा आगे बढ़ेगा और तस्वीरें दिखाएँगे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, मैं कैमरा मैन से कहूँ तस्वीरें दिखाएगा। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हैं, प्रशासन के यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पे यहाँ पे किसान यूनियन के पदाधिकारी रोड पे नेशनल हाईवे 24 पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और मैं तस्वीरों में फिर कहूँगा दिखाने के चाहेंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी लंबी कतार लग चुकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सिद्धू जी हैं और किसान यूनियन के पदाधिकारी, उनसे बात करूँ। जिला अध्यक्ष जी हैं मेरे ख्याल में, जिला अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ में, इनसे बात करता हूँ। आज जो ये मीटिंग की है, धरना प्रदर्शन किया जी, जी, जी। किया गया ये धरना प्रदर्शन इसलिए था कि किसानों के विरोध जो बिना सोचे समझे सरकार ने कानून बना दिए। सर्वप्रथम तो धान खरीद में जो अनियमितताएँ की जा रही हैं सरकारी अधिकारियों की तरफ से, सबसे बड़ा तो रीज़न उसका ये है कि हमारे किसान 15-15 दिन से ट्रालियाँ लेकर सेंटर पर खड़े हुए हैं। प्रशासन कहता है हमारे पास बोरे नहीं हैं, तो कोई कह देता है हमारे पास तौल करने की क्षमता नहीं है, लेबर नहीं है या अन्य अन्य कारण बता दिए जाते हैं। किसान 15 दिन से पड़ा हुआ है, कई किसान तो ऐसे हैं कि जो डेंगू से पीड़ित हैं और उनके धान नहीं तुला जा रहा है। अरे वो कहते हैं 50 क्विंटल धान तुलेंगे, प्रतिदिन तुलो तो 50 क्विंटल और 200 क्विंटल का मानक है तो 4 किसानों का तुल जाएगा, लेकिन तुलते कहाँ हैं बताइए। कोई काम लीगल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो केवल ऊपर से व्यवस्था बना दी गई है ताकि दिखे सब सही हो सब गलत, और सारा कुछ अधिकारी अपने पास ही ले रहे हैं। सारा कुछ जो गड़बड़ कर रहे हैं उसकी जानकारी अंदर सारे प्रशासन को है, मगर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे मोहली क्रय केंद्र पे कल किसानों का आरोप था कि तौल बहुत धीमी हो रही है, किसानों को परेशान जी, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? तौल धीमी इसीलिए हो रही है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक हम खरीद करें और तौल हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की न करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान मंडी में बेचने के लिए मजबूर हो। किसानों का आरोप है कि हम लोगों से 250-200 रुपया मिले, ऐसा भी मामला आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 100 रुपये से कुंटल से लगा करके 150-200 रुपये कुंटल तक लेने की बात की जा रही है। हर सेंटर का प्रभारी 150-200 रुपये लेने की बात कर रहा है कुंटल पर, यानी 100 कुंटल धान तुलेगा तो उसके आप मान के चलिए 20,000 रुपये हो गए, अब खुला खुला हो गए, ठीक है। और अगर 50 कुंटल धान तुलेगा तो 5,000 रुपये खुला हो गए, अब मान के चलिए जिस ट्राली पे 10,000 रुपये कमाएगा 100 कुंटल पे एक प्रभारी, तो 1,00,000 तो वो कमा लेगा 10 ट्रालियों में। तो अब किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करे, किसान रोड पे रोड जाम ना करे तो क्या करे, किसान कहाँ जाए, किसान की कोई सुनता है? तो किसान मजबूरी में अपनी बात कहता है, सरकारें नियम बना देती हैं
निरीक्षण उसका होता नहीं, अधिकारी भ्रष्टता करते रहते हैं, कागज पे काम हो रहा है सारा। अभी जैसा कि यहाँ पे तहसीलदार आए थे, मेरे ख्याल पदाधिकारी आए थे, वो लोग आपको लोगों को क्या आश्वासन दे गए? वो आश्वासन यही दे के गए हैं कि हम देखते हैं काम अगली तरीके से, हम आगे देखते हैं व्यवस्था कैसे सुधार सकते हैं। ज्ञापन लिया है, ज्ञापन लिया बोले तहसीलदार पार्टी लोग, किसी का ज्ञापन नहीं लिया है, किसी की शिकायत नहीं सुनी उन्होंने, किसी की शिकायत नहीं सुनी उन्होंने, खाली ज्ञापन लिया है, बोले तहसीलदार हम बात करते हैं आपसे वहाँ पे, या किसी के आपने लिया नहीं, किसी के बोल लिया उन्होंने। दलाली में माहिर हैं, ये सब दलाल घुसखोर हैं, और ये सारे सिस्टम में जैसा कि किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पे काफ़ी किसानों से वहाँ पे धन की उगाई भी की जाती है, उनके परेशान की जा रहा है लगातार, और यहाँ पे यही किसानों का कहना, भी यहाँ पे पदाधिकारी भी आए थे मेरे साथ में, आशीष शुक्ला जी हैं भूतपूर्व सैनिक जी, उनसे ही बात करते हैं और इस मामले को लेके वो क्या अपनी विचार देते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा इधर कैमरा घुमाएंगे और मैं भूतपूर्व सैनिक से बात करता हूँ इस मामले को लेकर, किसानों के मामले में सैनिक क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सभी मुलाजिमों से, नेतागण से सभी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसान क्रय केंद्रों से उगाही बंद करिए, कि किसान क्रय केंद्र को चलाने वाला हर सचिव 100 रुपये से 200 रुपये प्रति कुंटल किसान से उगाहता है, बोला पहले अगर तुम्हें 50 कुंटल धान कुटवाना तोलवाना है, उसकी अगर तुम्हें सरकार को बेचना है तो पहले 200 रुपये कुंटल जो है हमें घूस दोगे, अगर 50 कुंटल हुआ तो उसको 10,000 रुपये पहले हम जब दे देंगे तब उसके बाद हमारा धान वो तोलेगा, छानेगा और उसमें पंखा लगाएगा, कूड़ा करकट निकालेगा, लेकिन उसके बाद पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। ये है क्योंकि जब उसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोलता है कि धान सूख जाता है और हमें यहाँ पे बोरे सप्लाई नहीं होते, बोरे हमें अपने आप से खरीद के लाना पड़ता है, और हमें जो नेता लोग हैं पूरा सिस्टम में हैं, ये जो सहकारी समिति सिस्टम है इसमें सभी को बांटना पड़ता है, SDM को बांटना पड़ता है, DM को बांटना पड़ता है, खाद्य सप्लाई के, खाद्य रसद विभाग के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, SMI हैं, RMI हैं, इन सब की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं तभी हम आपका धान खरीद सकते हैं, और अदरवाइज़ हम धान नहीं खरीद सकते। यही हाल गेहूँ का भी है, और पिछले इस सीज़न में अभी जो गुजर गया है सीज़न गेहूँ वाला, तो उसमें हमसे जो है यहाँ पे भुड़कुड़ा वाला जो सेंटर है उर्दौली के पास, इसमें हमसे 85 रुपये प्रति कुंटल लिए गए, और जब हमने सरकार को लिखा तो सरकार में PCF ने रिप्लाई किया कि हमारे द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और आधारहीन हैं, जबकि सरासर गलत है। वहाँ पे इन्होंने बैनर लगा रखा है कि 35 रुपये 40 रुपये प्रति कुंटल हम यहाँ पे लेबर के द्वारा ढुलाई किए जा रहे हैं और बोरे में भरे जाएंगे धान, उसकी लेबरी के लिए चाहिए, और 45 रुपये हम चूँकि आपका यहाँ पे गेहूँ खरीद रहे हैं इसके लिए चाहिए, तो 45 रुपये प्रति कुंटल इन्होंने हमारा घूस ले लिया, 40 रुपये कुंटल हमारा इन्होंने लेबरी चार्ज ले लिया, जबकि सरकार इनको सब कुछ पैसा देती है, लेकिन जब ये गेहूँ क्रय केंद्र का सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद सरकार इनको रीएम्बर्समेंट करती है, लेकिन ये लोग हमारी जेब से पैसे काटते रहते हैं। अगर हमारे धान के, हमारे किसान के उत्पाद की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है तो हमारे धान खरीदने के ये ड्रामा क्यों बना रखे हो? पहले जब मोदी जी आए तो इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डाला, बोला सभी मंडी समिति यहाँ पे लेंगी और यहाँ पे रेट निर्धारित होगा। अब देखिए सरकार ने बता दिया कि हम 1865 में धान खरीदेंगे और मंडी समिति जितनी भी हैं ये सभी 1000 रुपये में 1200 रुपये धान खरीद रही हैं, तो कालाबाजारी यहीं से शुरू हो जाती है कि यहाँ पे एक ट्राली जो है जिसमें 50 कुंटल धान है वो एक दिन में नहीं तोल पाता है और ये धान सूखता रहता है, तो अगर ये धान यहाँ पे 2-3 दिन लग जाएंगे तो किसान को नुकसान होगा, क्योंकि धान की प्रवृत्ति है वो जल्दी सूखता रहता है, वजन कम होता रहता है, तो मजबूरी में, और ये जब धान समय से नहीं तोला जाएगा, सरकारी खरीद नहीं हो पाएगी, तो मजबूरी में किसान मंडी में जाएगा ही, वहाँ पे 1200 रुपये में उसको धान बेचना पड़ेगा। ये जानबूझ के सिस्टम में जितने भी बैठे हैं लोग, ये हमारे भाई बंद ही किसान क्रय केंद्रों को हमारे भाई बंद ही चला रहे हैं, लेकिन सब हरामखोर हैं, सब बहुत, जितनी गालियां दी जाए उतनी कम है, एक सैनिक सब गाली दे रहा है। कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ संवाददाता दलविंदर सिंह, TV1 India News महौली सीतापुर। जनपद कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त कृष्ण मोहन चौरसिया पुत्र फुलेना चौरसिया कटकुरिया बाजार वार्ड नंबर 3 को कटकुरिया बाजार वार्ड नंबर 3 के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी दुकान के बगल में अवैध विस्फोटक पटाखी रखकर घनी आबादी में बेच रहा था, जिसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस बेचने का अधिकार पत्र भी नहीं था।
अभियुक्त की निशानदेही पर दो प्लास्टिक के बोरे में पटाखे रखे हुए बरामद हुए हैं। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय विस्फोटक अधिनियम 1884 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, कुशीनगर। जनपद लखीमपुर खीरी में किसानों की समस्याओं को मद्देनजर 5 नवंबर को पूरे भारत भर में किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इस आह्वान के मद्देनजर मैगलगंज खीरी में भारतीय किसान यूनियन, लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के साझा बैनर तले हजारों किसानों ने मैगलगंज में चक्का जाम कर दिया। मैगलगंज में किसान संगठनों की तरफ से जारी चक्का जाम धरना प्रदर्शन में मौजूद भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण गौतम ने कहा कि इस सरकार पूंजीपतियों की सरकार है तथा किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस सरकार के निर्देश पर ही किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। धरना प्रदर्शन में मौजूद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के महामंत्री पिदर सिंह ने कहा कि वक्त आने पर सरकार में बैठे लोगों को उचित जवाब दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मौजूद किसान क्रांति कुमार सिंह ने कहा कि किसानों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे योगी सरकार की विफलता की निशानी है तथा ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इसको पूंजीपतियों की आवाज की सिवाय किसी अन्य की आवाज सुनाई नहीं देती। क्रांति कुमार सिंह ने राम मनोहर लोहिया की एक बात को याद दिलाते हुए कहा कि जब जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तब तब संसद आवारा हो जाएगी। हमें संसद को आवारा होने से रोकना है, इसलिए हम लोग सड़क को जाम करने के लिए आए हैं। किसान यूनियन के साझा धरना प्रदर्शन की वजह से लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क जाम हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस मौके पर बैगलगंज कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह, एसडीएम मितौली दिग्विजय सिंह और सीओ मितौली सितांशु कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसान विरोधी तीनों कानून वापस, गन्ना मिल चलने से पहले किसानों को सारा धन खरीदा जाए व गन्ना भुगतान में ब्याज दिलवाया जाए, फौलनपुर में हुए किसान व संगठन के पदाधिकारियों पर फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस लेने तथा धान क्रय केंद्र प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई की जाने की मांग की गई। किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून कार्य कानून लागू किए गए हैं, उसके खिलाफ 12 बजे से 4 बजे तक देश के अंदर सारे हाईवे को जाम करने के लिए किसानों के जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसने फैसला लिया था। और देश का ये हाई सेंटर पे उसके अलावा धान तुला है उनके सबके खिलाफ फ्रॉड कंपनी सबके पास 10-10 क्विंटल 15-15 धान क्विंटल एक एक दिन में तोलता है, बाकी धान तुलता कहाँ से है? वो सब सीधे उस पे तुलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है पर्ची जो कटी है, वो आपने जो पर्ची निकलवाई है, जो हमारे मंडी में घुसते ही पर्ची मिलती है मंडी वालों की, उसके अतिरिक्त जो भी तौल हुई है वो सब दलालों की है, वो सब राइस मिलर की है, सब लूट की है। एक दिन तो सारे मंडी का मैंने सूची बनवाई, उस सूची के अतिरिक्त आप दलालों में मतलब क्या है, हम आपके साथ हैं और निगाह किस पे जा रहा है किसानों पे, और ये सब इसका मतलब करिए और सिर्फ सराहने के लिए कि हम धान न तोड़ा है। मुलनपुर वाला मामला है ना, ये इतना गलत हुआ है, ये हम लोग आज यहाँ बिजी थे नहीं तो आज आपके पास। टीवी इंडिया न्यूज के लिए गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट, मैगलगंज खीरी।